ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के साथ दिख रहा यह शख्स पवन है, 21 साल के रेसलर निशा की हत्या का आरोपी। एकेडमी की तस्वीरें देखिए, जगह जगह सुशील कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं। शायद सुशील की तस्वीरों के जरिए ये जतलाने की कोशिश की कि एकेडमी सुशील कुमार की हो। हालांकि 2 साल पहले उद्घाटन के अलावा सुशील यहाँ कभी नहीं आए, लेकिन सुशील कुमार के नाम से कुश्ती एकेडमी खोलने की पवन की तरकीब काम कर गई और इलाके के उभरते पहलवान एकेडमी से जुड़ने लगे और इन्हीं उभरते रेसलर्स में थी निशा। अब एकेडमी की पुरानी तस्वीरें देखिए, अखाड़े में पहलवान कुश्ती के गुर सीख रहे हैं। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि इलाके में कुश्ती का हिट अखाड़ा रहा होगा, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें देखिए, अखाड़ा जलकर राख हो चुका है। जहां कुश्ती की प्रैक्टिस होती थी वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये बच्चे भी इसी एकेडमी में कुश्ती सीखा करते थे। निशा की हत्या के बाद कोच पवन को लेकर तरह तरह की बात सामने आ रही है। निशा के पिता दयानंद ने बताया कि निशा का पवन पर अटूट भरोसा था और पवन इसका जमकर फायदा उठा रहा था। दयानंद के मुताबिक कोच पवन ने निशा का ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा था कि समझाने पर परिवार वालों से ही झगड़ा कर लेती। उधर गांव वाले पवन को एक दबंग के रूप में याद कर रहे हैं। आरोप है कि जिस जमीन पर सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी बनी है, पवन ने वो जमीन दबंगई से ही कब्जाई थी। तो पवन क्या आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदारी में लगा था। तो ये क्या जमीन अभी आपकी है, आपके कब्जे में है या नहीं है? नहीं हुई है, कब्जे में थी, हमारे में नहीं। तो आपको कुछ पैसे वैसे मिलते थे? ना, कुछ नहीं मिल रहा था। तो किस तरीके से यहाँ पर एकेडमी आपकी परमिशन लेकर खोली गई थी पहले आपसे? जब तोरा जीरा जामा ही खोली थी, बाद में आकर झगड़ा होना शुरू हुआ था। पिस्टल विस्टल ये वो थी उनके पास। मतलब क्या पिस्टल इसी जमीन के नाम पर लाइसेंस पे? नहीं, इसके पे नहीं थी, वो तो अपनी पर्सनल बनवा जाना। तो आप क्या पैसा मांगने आते थे? नहीं, फिर हम नहीं आए ना बाद में। क्यों? हमने तो आने बंद कर दिया था, बिल्कुल हम नहीं आए। डर लगता था? हाँ, डर लगा था। जमीन तो ये पूरी आपकी है, काफी बड़ी जमीन। जमीन तो हमारी है, पर डर तो लगा था, झगड़े के मारे हम नहीं आए। भाई झगड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो बड़ी बात आपने कह दी, यानी कि अब पवन क्या दबंग किस्म का आदमी है? दबंग किस्म का, जी भी वो काम कर दिया था, दबंग किस्म का हो गया। जाहिर सी बात है कि उसने जिस तरह से गोली मारी है। तो कितने साल से आपकी जमीन पर कब्जा है? 4 साल हो गए। तो एक दो बार आपने बोला था खाली करो? बोला था खाली कराने के लिए, कोई भी थी, पुआ बाबू भी आया था, पंचायत आई थी, वहां फैसला भी हुआ था, पर वो नहीं हुआ। साफ नजर आ रहा है कि इस एकेडमी की नींव दबंगई और गुंडागर्दी पर पड़ी थी। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस सुशील कुमार के नाम पर एकेडमी बनी है वो खुद एक रेसलर की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।